हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेकर आए हैं आप सब के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्तों के पतौड़े, जिसे हम लोग गुन्नू भी कहते हैं। और ये अरबी के पत्ते मेरे दादी ने स्पेशली गांव से मेरे पापा के हाथों भिजवाए हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर में हम लोग ले लेंगे बेसन और उसमें सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सब मसाले डाल देंगे। और फिर अजवाइन को हल्का सा अपने हाथों से पीस के हम लोग इसमें डालेंगे और धीरे धीरे हल्का हल्का पानी डालते हुए हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखना, आपको इसमें इतना पानी नहीं डालना जिससे कि ये मिक्सचर आपका पतला हो जाए। आपको कुछ इस तरह का थिन मिक्सचर बनाना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने लिया है यहाँ पे जार और इसमें डाल दिया है हम लोगों ने कटा हुआ प्याज, मिर्च, लहसुन और आपका जीरा। और कुछ इस तरह से हम लोग इसका पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। बनाया हुआ पेस्ट हम लोग अपने बैटर में डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ मिक्स करके उसे साइड रख देंगे ढककर। यहाँ आ जाते हैं हमारे अरबी के पत्ते। इन्हें आप अच्छे से वॉश कर लेना और वॉश करने के बाद हम लोग जो इसके डंठल है उसको हम लोग चाकू की हेल्प से इस तरह से काट के अलग रख देंगे। अगर आप अरबी के पत्तों के डंठल की सब्जी भी बनाना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी जल्द आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर जो हम लोगों ने अरबी का पत्ता लिया था उसमें हम लोग अपना बैटर कुछ इस तरह से लगाएंगे और बैटर लगाने के बाद दूसरे अरबी के पत्ते को इस पर रख देंगे। इस तरह से हम लोग अपने चार अरबी के पत्ते पर बैटर को लगाएंगे और उसको इस तरह से ढकते रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैटर सब लगा दिया है और इस तरह से हम लोग अपने अरबी के पत्ते को रोल कर देंगे और ऊपर से हल्का सा बैटर लगा देंगे। यहाँ पर हम लोगों का जो पतौड़ा है वो स्टीम होने के लिए एकदम रेडी है। आप सबसे पहले इसको स्टीम करेंगे, उसके बाद हम इसको पीसेस में कट करके ऑयल में फ्राई करेंगे। स्टीम करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे ये छन्नी वाली परात जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। इसे हम लोग वॉश करेंगे, कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे और इसके आगे पीछे हम लोग तेल लगा देंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें जो हम लोगों की स्टैंड है उसको रखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग परात को रखेंगे और यहाँ पर अपने जो पतौड़े हैं उनको स्टीम करने के लिए रख देंगे ढक्कन लगाकर। और यहाँ पर करीब इसको आधे घंटे के लिए हम लोग स्टीम करने के लिए रखेंगे। आधे घंटे बाद जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे जो ये पतौड़े हैं वो हल्के हल्के जो है स्टीम से पक जाएंगे। अब इन पतौड़ों को हम लोग एक प्लेट में निकालेंगे और प्लेट में निकाल लेने के बाद इन्हें हम लोग पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने हमारे जो पतौड़े हैं उनको पीसेस में कट कर लिया है। पीसेस में कट करने के बाद हम लोग कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में हम लोग डालेंगे सरसों का तेल और उसमें हम लोग लगाएंगे राई का तड़का। राई का तड़का लगाने के बाद जो हमने पीसेस कट किए थे उन्हें हम लोग एक एक करके इस तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें अपने पतौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है और अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पर हम लोगों के प्यारे प्यारे गुन्नू रेडी हैं और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।